मंदी आज एक बड़ी समस्या जरूर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसका हल भी ना निकाल सके। और अर्थव्यवस्था को ट्रैक पर लाने के लिए हर छोटी बड़ी चीज़ मायने रखती है। आज के समय में टूरिज्म कई देशों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर भारत में भी पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के पर्यटन क्षेत्र के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ताज़ा रिपोर्ट में अच्छी रैंकिंग प्राप्त हुई है। यही नहीं, पर्यटन के क्षेत्र में भारत ने बीते 4 साल में लंबी छलांग लगाकर बड़ी उपलब्धि भी हासिल की है। पर्यटन के बढ़ावे से भारत को हर वर्ष पर्यटन से होने वाला मुनाफा भी कई गुना बढ़ गया है। पर्यटन के क्षेत्र में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुधार भी किया है। यह खुलासा हाल ही में विश्व बैंक की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2019 की ओर से ट्रेवल एंड टूरिज्म कम्पिटेटिव रिपोर्ट में किया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि भारत देश ने कारोबारी माहौल में स्थिरता पर भी काम किया है। इन पर सुधार के मामलों में भारत एशिया में अग्रणी देश में से एक है और 2019 की रिपोर्ट में भारत विश्व में 34वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि 2017 में भारत 40वें स्थान पर था। यानी कि 40वें नंबर से सीधे 34वें नंबर पर भारत ने टूरिज्म के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई है। इस रिपोर्ट में बाकी अन्य देशों के मुकाबले भारत ने सबसे बड़ी छलांग लगाई है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि दुनिया के अन्य देशों की अपेक्षा भारत ने वैश्विक पर्यटन में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देशों में सबसे आगे है। आंकड़ों के अनुसार भारत में स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षा, टूरिज्म सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतर सुधार किया है। इन सुधारों की वजह से ही वैश्विक टूरिज्म रैंकिंग में भारत को फायदा भी मिला है। भारत की प्राकृतिक छटा और ऐतिहासिक धरोहर विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रही है। भारत ने वैश्विक पर्यटन में अन्य दक्षिण एशियाई देशों के मुकाबले अपने पर्यटन उद्योग में बेहतर कार्य किया है। भारत में पर्यटन काफी सस्ता और आकर्षक है, जो सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। विश्व बैंक के मुताबिक वर्ष 2017 में लगभग 1.5 करोड़ विदेशी भारत घूमने आए थे। वहीं भारत के पर्यटन उद्योग से 2.8 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है, जो जीडीपी में 3.6% योगदान देता है। इसमें भारत 2015 में 141 देशों में 52 नंबर पर था और उसका स्कोर 4.0 था। और वहीं 2017 में 136 देशों की सूची में भारत 40वें नंबर पर था और उसका स्कोर 4.2 था। वहीं 2019 में कुल 140 देशों में भारत 34वें स्थान पर है और वहीं उसका स्कोर 4.4 है। यहां हम आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले पर अपने भाषण में भारत की जनता से भारत के पर्यटन स्थलों पर जाने का अनुरोध किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि विदेश घूमने जाने से पहले अपने देश के अमूल्य और अद्भुत पर्यटनों पर घूमकर आएं। और पिछले कुछ वर्षों में विदेश से आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं और माहौल मुहैया करवाने के लिए यहां पर काम भी किया जा रहा है। जिन जिन शहरों में चीज पर्यटन के लिए मौजूद है, वहां पर सुविधाएं और भी बेहतर की जा रही है। इसी वर्ष प्रयागराज में महाकुंभ में बेहतर सुविधाओं के चलते यहां पर पर्यटकों की संख्या ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस साल 27 जनवरी से 10 मार्च तक महाकुंभ में करीब 100 मिलियन लोग यहां पर इकट्ठा हुए थे, जिनमें हजारों की संख्या में विदेशी पर्यटक भी पहुंचे थे।